झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा अगर दौड़ना चालू करता है तो उसकी दौड़ कहाँ तक जा सकती है ना। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। औकात के बाहर का जब डिसीजन लेना होता है ना तो क्या सोच रहती है? जो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे और अभी आपने जो ऑनलाइन पे शिफ्ट किया है उससे आपको क्या फायदा हुआ? जो खर्चा किया उससे 40 गुना ज्यादा स्पेशलाइज प्रोडक्ट चालू किया। व्हाट इज द स्पेशलाइज प्रोडक्ट? आप जो अभी बोल रहे हो ना ये सोने से भी महंगी चीज है। हमने कहा नहीं, कुछ अलग करते हैं, अलग ये करेंगे, 1% पेमेंट प्लान। वहां से जब आप इंडिया को देखते हो तो क्या देखते हो? अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखो होता है क्या, क्या? रॉकी भाई को यूट्यूब पे 1000 बार तुमने लूप में लगा के देखा रहेगा। आज रियल लाइफ रॉकी भाई को आपको मिलने वाला हूँ। हमारे सामने बैठे हुए रिजवान भाई दुबई से खास मुंबई आए हुए इस बात को करने के लिए। आज धंधे की बात पे है रिजवान भाई और यही सीखेंगे कि धंधा मुंबई का एक स्लम में एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा अगर दौड़ना चालू करता है तो उसकी दौड़ कहां तक जा सकती है ना, आज अपन उनके मुंह से सुनेंगे। नमस्ते रिजवान भाई, मुंबई में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपकी रील देख के मुझे बहुत मजा आता है, बहुत इंस्पायर होता हूं मैं आपकी रील। हम लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं। मैंने आपका स्टोरी सुना और जब पढ़ा तो मतलब दंग रह गया। हमें कहाँ से आते हैं, किस मिट्टी से पैदा होते हैं, तो मुझे समझना था कि जो एग्रेशन है ना, मतलब जितना ही है वो कहाँ से आता है? एक्चुअली क्या होता है मालूम कि ये सब इनबॉर्न क्वालिटीज होती है। एक तो एक धंधे के लिए मैं हमेशा सर एक बात बोल देता हूँ आपको, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पूरे चक्कर में ना लक का एक भी बार नाम मत लेना प्लीज। आप क्या ऐसा वो लक को देख के छोड़ देते हो? नहीं, लक नहीं, मैं 3 चीज बोलूंगा आपको। यस, लक भी इम्पोर्टेंट है। नहीं है अच्छा, आपकी मेहनत मेरे को समझ में मेहनत दिखती है। मेहनत तो देखो हर एक बंदा मेहनत करता है, बहुत लोग मेहनत करते हैं। करेक्ट। एक तो तुम्हारे को गिफ्ट गॉड होना चाहिए, गिफ्टेड गॉड होना चाहिए। जैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा सेल्समैन मानता हूँ बचपन से। 100% यू आर आई फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे बचपन से डैडी जब पॉकेट मनी नहीं दे रहे थे तो पॉकेट मनी कमाने के लिए मैं रस्ते के ऊपर बाकड़ा लगा के फायर क्रैकर्स बेचाऊँ, राखी बेचाऊँ, जब वो सीजन खत्म हो गया तो दूध बेचाऊँ। तो एक सेल्समैन तो था ही पहले से मैं। करेक्ट। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कुवैत चला गया तो वहाँ अच्छी जॉब मिल गई, तो वहाँ भी आई वॉज टॉपिंग इन द सेल। उसके बाद फिर सदाम हुसैन आया तो दुबई चला गया, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो एवरीवेयर द सेल्समैनशिप को तो मैक्सिमम यूज़ किया और वो आई फील वॉज द इनबॉर्न क्वालिटी। मैंने ऐसे इनबॉर्न क्वालिटी एक मैंने रील बनाई थी कि यू हैव लॉट ऑफ दिस सेलिब्रिटीज जिन्होंने बहुत टॉप किया है अपने लाइफ के अंदर, लेकिन उनको बच्चे को सेलिब्रिटीज बोलो या क्रिकेटर्स बोलो, करेक्ट, उन्होंने बहुत लाइफ रॉक किया है, लेकिन उनको बच्चे को क्या ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। करेक्ट। लेकिन वो नहीं कर पाए बिकॉज वो इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। सर हंगर में बोल सकते हो अभी, हंगर बाद में, आप पहले तो इनबॉर्न क्वालिटी होना चाहिए। फिर से वो लक पे जा रहे हो कि मेरे माँ ने मेरे को ऐसा पैदा किया इसलिए मैं ऐसा हूँ। ऊपर वाले ने पैदा किया। आई डोंट एग्री सर, आई रियली डोंट एग्री। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर में जो आग थी ना, जो सेटल नहीं होने का है, मुझे जो चाहिए, मैंने जो सपने देखे हैं वो मुझे अचीव करने हैं। मुझे आइसक्रीम खाना है, घर से पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं दूध बेचूंगा। वो दूध से आइसक्रीम भी बना सकते थे बट आपने नहीं बनाया, आपने दूध बेचा, पैसे कमाए और उससे आपने आइसक्रीम खाया। तो वो हंगर था मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बड़े लोग बहुत हम्बल हो जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है तो हो गया। वो मैं तो नहीं मानूंगा बट ठीक है, आपका है कहना तो मैं मानता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि मतलब मैं आप सीधे धंधे की बात पे आता हूँ, औकात के बाहर का जब डिसीजन लेना होता है ना तो क्या सोच रहती है? छोटे मोटे डिसीजन तो आप रोज लेते हो, लाखों डिसीजन ले लेते हो, कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है, लोग आपको हेल्प कर देते हैं। बट जब एक रिस्क खुद के औकात के बाहर हो जाती है, और हर किसी की होती है, मैं तो बोलता हूँ कि श्री कृष्ण की भी हुई रहेगी और आज के टाइम में नरेंद्र मोदी की भी औकात के बाहर के डिसीजन कभी कभी लेने पड़ते हैं, तब खुद को आप कैसे संभालते हो? वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी डिसीजन लेता हूँ बड़ा तो एक ही सोच समझ के लेता हूँ कि उसमें फायदा कितना होएगा वो नहीं सोचता हूँ, उसमें नुकसान कितना होगा। क्या बात है। अगर वो नुकसान होगा और उसको मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं वो सोचता हूँ, अगर वो सहन कर पाऊंगा करो आगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये बहुत ही जबरदस्त धंधे की बात है कि लोग ना बहकावे में आके, खुद के मोटिवेशन में आके बोलेंगे कि नहीं चलो आज अगर मुझे रियल एस्टेट का धंधा चालू करना है तो मैं पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा बनाने के लिए सोचने चालू करते हैं। बट मैंने आपका एक पॉइंट बोला देखा था कि आपका पहले से ही एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बट जब आपने डाइवर्सिफिकेशन का सोचा तो आपने छोटे से स्टार्ट किया, एंड दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी बिजनेस पर्सन। करेक्ट। कि थोड़ा थोड़ा करो, मतलब यहाँ पे वाटर टेस्ट करो फिर आगे बढ़ो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बिजनेस पर्सन के लिए मुझे ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटी के लिए बहुत कम चांसेस रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए कितना, 3 या 4 या 5 बार ही वर्ल्ड कप
में गए रहेंगे और वहां से फिर वो फेलियर आ जाता है। धंधे में ऐसा नहीं होता, धंधे में तुम्हारे लिए रोज चांस है, यू कैन टेक डेली चांसेस, छोटा छोटा फेंको, रोज फेंको तो बड़ा खेल जाओगे। बिल्कुल सही बात, बहुत सही सर, बहुत सही, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आप जब बात कर रहे हो, आप एक बड़े मुकाम पे पहुंच गए हो और आप पूरे भारत को इंस्पायर कर रहे हो, और आप अभी जब आप नरेंद्र मोदी जी से मिले तब आपने कुछ चीज़ें समझी और उसमें से आपने बताया कि दुबई इज़ वेलकमिंग इंडिया, उसके बारे में आप बताइए कि भारत के जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए दुबई में क्या रखा हुआ है। पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला तो हमारी क्या चर्चा हुई उसके बारे में बताऊंगा। यस प्लीज प्लीज। तो मोदी जी गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम, करेक्ट, मोदी जी तुम्हें थकता केम नहीं? सेम क्वेश्चन इज फॉर यू एज वेल। तो आई आस्क्ड हिम के तुम्हें 15-16 कलाक काम करो छो, आई एम वर्क फॉर 10-12 कलाक, हूँ थकी जाऊ छू के कोई दी थकवानू नहीं, मने के काम करता रहू अपने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। That's what his answer. Correct. You know, and that's a fact. I mean, yes. Look at, he's 10-12 years older to me. Correct. But look at the energy he has. Like, look at the My energy. My God. Yes. Inspiring. Yes. Very dashing. It's infectious. Inspiring to all, for all of us. You know, and I mean, that's a big inspiration we learn from him. Correct. So now answering to your question, Indian, for every Indian businessman. Correct. There's a big opportunity because Dubai is a land of gold. Okay. Correct. Dubai is a land of opportunity. It gives you so much opportunity that anybody can, anyone who has a little money in the pocket can come and do the business over there. I mean, like India, we have a lot of opportunity. Dubai, we have much more opportunity, I would say. Why it has much more opportunity? Because you have an international market around you. Correct. People from all over the world come and invest in Dubai. People from all over the world wants to buy something from Dubai. Correct. So when you are in Dubai, you are exposed to the international market, and that's a big thing. Correct, correct, correct. Today in my property, we have Indian buyers, which are the maximum buyers. Correct. But then 146 countries of the people, they buy from me. Perfect, perfect. Congratulations on that. So, sir, आपने एक बात बोली है कि दुबई में अभी भारत मार्ट आ रहा है और उसमें आपने ड्रैगन मार्ट का भी आपने ये किया था. Example दिया. Example दिया हुआ है. आप मुझे ड्रैगन मार्ट क्या है, उसी तरीके से भारत मार्ट उससे भी कैसे बड़ा हो सकता है, और भारतीय बिजनेसेस के लिए वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज है वो बता दीजिए। सी, ड्रैगन मार्ट एक ऐसा चीज है, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल गो टू चाइना टू बाय द स्टफ व्हेन दे वांट टू अपना घर बनाना है, अपना कुछ काम करना है, तो वो लोग चाइना से जाने के लिए, दुबई गवर्नमेंट ने चाइनीज को एक जगह दे दी। करेक्ट। अपना एक ड्रैगन मार्ट बनाओ, चाइनीज फैक्ट्रीज वालों ने अपनी अपनी दुकान ली, अपना वेयर हाउस लिया। Correct. और वही सामान जो आपको चाइना में जाना पड़ता था, Perfect. वो आपको यहाँ पे मिलेगा। Perfect. उसी तरह से मोदी ने देखा ये अपॉर्चुनिटी क्यों हमारे भारतवासी को नहीं मिल सकता, उन्होंने टाइप किया शेख मोहम्मद के साथ और उन्होंने टाइप कि हम हमारा भारत मार्ट बनाएंगे, जिसका मेमोरेंडम साइन हुआ, ये लास्ट विजिट जो हुआ था मंदिर के ओपनिंग में आए थे वो साइन हुआ, और तभी उन्होंने बोला कि ये 2 साल के अंदर बल्कि अगले साल तक वो आपको भारत मार्ट रेडी हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एनी फैक्ट्री जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे मैंने बोला दुबई में एडवांटेज क्या है कि आप आओगे तो दुबई में पूरा इंटरनेशनल मार्केट आपके पास आएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इंडियन, अभी आप इंडियन को बेच रहे हो लेकिन वहां से आप थाईलैंड वाले को बेचोगे, आप अफ्रीका वाले को बेचोगे, यूरोप को बेचोगे, रशिया को बेचोगे, तो सारे लोग आपसे खरीदने। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि दुबई में घूमने फिरने के लिए तो बहुत सारे लोग आते ही है। अगर ये मान के चलो कि तुम्हारा अगर यहाँ पे होलसेल का धंधा है, इंडिया में अगर तुम्हारा होलसेल का धंधा है, तुमने वाशी के एपीएमसी मार्केट में बहुत बड़ा गाला लेके रखा हुआ है, बट अगर दुबई के बंदे का अगर तुमसे खरीदने का है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। खाली दुबई की नहीं, पूरे दुनिया की। अब पूरे दुनिया के लोग दुबई में आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो अगर भारत मार्ट में आएंगे, तुम्हारा अगर वहाँ पे गाला रहेगा, वहाँ पे सब परख हो जाएगी कि कौन सा क्वालिटी है, क्या माल है, वहीं से ऑर्डर हो जाएगी, खत्म हो गया कहानी तुम्हारा। Absolutely भाई, perfect। यानी ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, and I'm sure ये इतनी जगह में कुछ नहीं होने वाला है, इनको definitely expand करना होगा, expand करना पड़ेगा, और 3-4 गुना ये बहुत जल्दी आएगा। मेरे ख्याल से ये 1 million square foot का बहुत बड़ा भारत मार्ट बनेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 million बहुत कम बनेगा, याद रखना मेरी बात, ये 1 million का आप 3-4 गुना ये 2-3 सालों में हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्केट में कंपटीशन हमेशा भर भर की रहती है, और मैं तो मानता हूँ कि रियल एस्टेट जैसी कंपटीशन कहीं पे भी नहीं है, एकदम कटथ्रोट कंपटीशन है। उस कंपटीशन में भी आपने खुद का एक यूनिक प्रोपोजिशन लाया और आप धड़ल्ले से फ्लैट बेचे जा रहे हो, वो कैसे किया आपने? सी, कोई भी बिजनेस करो ना, फेदर रियल एस्टेट करो या कोई भी बिजनेस करो, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालो। परफेक्ट। जैसे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में जब घुसे, सब लोग बेसिक बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे थे। yes. बेसिक मतलब प्लाईवुड बेच रहे थे और टिम्बर बेच रहे थे। करेक्ट।
मैंने तो बड़े बड़े जाइंट्स के बीच में प्लाईवुड टिमर बेचने जाऊंगा, 2-4% का प्रॉफिट में क्या मैं फायदा करूंगा? करेक्ट. मैंने कहा प्लाईवुड टिमर नहीं बेचूंगा, हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चालू किया. व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट? लैमिनेट, वीनियर, मेलामाइन एमडीएफ, सरफेस, ऑल दिस. वो इतना चल पड़ा और मार्जिन भी उसके अंदर अच्छा था. इट वॉज अ स्पेशल विच नोबडी एल्स वॉज डूइंग. ये सो मतलब आप जो अभी बोल रहे हो ना, ये सोने से भी महंगी चीज है. अच्छा, सेकेंड पॉइंट, हमने जब भी डेन्यूफॉर्म चालू किया, डेन्यूफॉर्म में हमने क्या देखा कि एक बंदा वॉलपेपर लेने के लिए कहीं और जा रहा है, बाथरूम फिटिंग लेने के लिए और कहीं जा रहा है, गार्डन फर्नीचर लेने के लिए और कहीं जा रहा है. हमने कहा कि नहीं, एक क्या काम करते, एक दुकान ऐसी बनाते कि कस्टमर कुछ लिया फर्नीचर, एक घर लिया, सीधा वो डेन्यूफॉर्म में जावे, सारा का सारा उसको गारंटेड प्रोडक्ट मिले, बार्गेनिंग की जरूरत नहीं मिले, आफ्टर सेल सर्विस मिले और वो नंबर वन वहाँ पे है. एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा. नंबर थ्री, प्रॉपर्टी. जैसे मैं बोलता हूँ यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट, कॉम्पिटिशन कितना भी बड़े खोरेगा लेकिन आपको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करना होगा. करेक्ट. प्रॉपर्टी जब भी चालू किए, सब बड़े बड़े लोग बेच रहे थे 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन की प्रॉपर्टी. पहले 20% लाओ, फिर 50% लाओ. हमने कहा नहीं, कुछ अलग करते हैं, अलग ये करेंगे, 1% पेमेंट प्लान जो हर एक आदमी को घर ले सकता है. करेक्ट. और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल रखे. तो सर आपने देखिए, आपने एक ही चीज को 3 बार रिपीट किया, उसका फॉर्मूला आप बता दीजिए कि आप कस्टमर के साइकोलॉजी को कैसे समझते हो और वहां से सोल्यूशन कैसे निकालते वो हो. ऊपर वाले का गिफ्ट. तो 6 महीने के अंदर तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो. हमने स्टेडियम बनाया अंदर, मतलब कंप्लीट कवर्ड. क्या बात है, एयर कंडीशन स्टेडियम. फिर से यूनिक पॉइंट ला लिया आपने और सारा गेमिंग के अंदर डाल दिया. बढ़िया, फुल एकदम बढ़िया. आप जब मतलब आप यहाँ से पले बड़े हो, आपको यहाँ का रास्ता रास्ता पता रहेगा, बट आप जब अभी 101 माले की आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपका विजन तो वहाँ तक पहुँच गया है. वहाँ से जब आप इंडिया को देखते हो तो क्या देखते हो? देखो मैं है ना, मेरे जो पैदा हुआ हूँ स्लम में पैदा हुआ हूँ. करेक्ट. आप मानोगे कि मैं यहाँ मीटिंग, ये हमारा प्रॉपर्टी शो जब भी हो रहा था, ये उससे पहले मैं गया था कुरला के स्लम में. एयरपोर्ट से उतर के हमारी टीम सारी, हम लोग कुरला के स्लम में गए. क्यों गया था? वहाँ मैं 300 बच्चों को पढ़ाता हूँ. तो 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भी मुंबई आता हूँ, एक मौका मिलता है तो उनको जाके मिलता हूँ. उस स्लम्स के अंदर से चलने की रास्ता नहीं है, जहाँ वहाँ जाके उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ बैठ के बिरयानी खाया, चॉकलेट खाया, और वो जो मज़ा मुझे जो आया, तो वो मेरा जो आई हैव नेवर फॉरगॉटन माय रूट्स. व्हेन आई गो देयर इट रियलाइज दैट दिस इज वेयर यू आर बॉर्न. करेक्ट. Correct, and you should never forget this. Correct. ये आपको वीडियो नजर आएगा, अभी पोस्ट करेंगे. बट दिस इज जस्ट आने से पहले, जस्ट हम थोड़ा लेट हो गए बिकॉज वहाँ पे निकलते निकलते बहुत ट्रैफिक था. नहीं, मैं आपकी आंखों में भी वो नमी समझ पा रहा हूँ कि आपको सारी की सारी पूरा फ्लैशबैक हुआ रहेगा आपको कि मैं यहीं से हूँ और मेरे जैसे ही लोग है. और मैं सर आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, इस भारत ने एक रिजवान दिया हुआ है आपके. आप जिस तरीके से हेल्प कर रहे हो लोगों को, वैसे हजारों रिजवान निकलेंगे और भारत का नाम रोशन करें. 100% वही चाहता है हम लोग के उसी तरह से निकले और आगे आवे और पूरा देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर अपना नाम करे. आज अगर आप देखो सारे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर कौन काम कर रहा है, हमारे इंडियंस ही काम कर रहे हैं. Correct. उनको लीड हमारे इंडियंस ही कर रहे हैं. Correct. तो इंडिया में इंडियन पर्सन के अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसमें जो इंटेलिजेंस है, उसमें जो एजुकेशन है, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. दैट इज द रीजन ऑल द अमेरिकन कंपनीज आर लेड बाय आवर इंडियन सीईओस. यस यस. सर मेरा क्वेश्चन था कि आप किस तरीके से अभी देख रहे हो भारत को, जो भारत का यूथ है उसको आप किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हो? आई थिंक भारत अभी का यूथ जो है वो बहुत स्मार्ट है, हम तो बहुत पीछे रह गए उनके. जिस तरह से उनके साथ, उनके पास दिमाग है, उनके पास जो आइडियाज़ है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके जो स्टार्टअप्स कंपनी जो बन रही है अलग अलग, अगर आप देखो शार्क टैंक में फॉलो करता हूँ, उनके पास अलग अलग आइडियाज़ है. माय गॉड, अनबिलीवेबल आइडियाज़. तो आज का भारत का यूथ ये तो बहुत आगे जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है. और मोदी जी बोल रहे थे ना, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखो होता है क्या. सही है. सर मतलब मैं आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहता हूँ भारत के युद्ध को, कि एक 20,000 करोड़ का रेवेन्यू वाला कंपनी और उसका बंदा खुद सामने खड़ा होके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए पिच करता है और बोलता है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. तो भारत में बहुत सारे लोग, मैं जब भी बिजनेस पर्सन के साथ मिलता हूँ, जब भी धंधे की बात होती है तो बोलते हैं कि मैं शाय हूँ कैमरे से सामने जाने के लिए, मैं कैसे मार्केटिंग करूँ, मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा. उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हो? वो बोलते हैं कि मेरा इतना सारा काम चल रहा है कि मैं कैसे कैमरे के सामने जाऊँ.
आई थिंक कैमरे के सामने जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका कनेक्ट कस्टमर से होना बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. देखो आप होर्डिंग कितनी भी लगा लो, ये आपका रील मैंने पढ़ा था, होर्डिंग कितनी भी लगा लो, आज की पब्लिक होर्डिंग नहीं देखती, वो देखती है आपने रील क्या बनाया, आपने क्या मैसेज पास किया. और अगर वो रील आपके आपके कंपनी के लोगों की जगह से आप खुद बनाओगे ना, आपका कनेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा. मेरे उनसे एक ही विनती है कि अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सीखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, और करो इसको. यस 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 सर, आप थोड़ा सा इसमें और एक गहराई में जाना चाहूंगा मैं. मेरे ख्याल से रील्स बनाना आपने रिसेंटली चालू किया है, दो साल हो गए. हाँ राइट, उसके पहले नहीं हो रहा था. तो आप लोगों को ये बताइए कि रील बनाने से पहले आप मार्केटिंग तो बहुत अच्छे करते हो, आई नो यू आर मास्टरमाइंड इन मार्केटिंग, मतलब जहाँ पे भी आपको जगह दिखे वहाँ पे आपके कंपनी का नाम आ जाता है. वो एयरप्लेन रहे, एयरप्लेन के पीछे का हेडरेस्ट रहे, वहाँ पे आपका कंपनी का नाम रहता है. बट जो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे और अभी आपने जो ऑनलाइन पे शिफ्ट किया है, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है. लाइक आप क्वान्टिफाई कर दीजिए उसको. क्वान्टिफाई मतलब 10 गुना 20 गुना, इन्हें जो खर्चा किया उससे 40 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा मिला. और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अगर आप कभी प्रॉपर्टी ऑफिस में आओगे ना, तो एक हॉलैंड का कल बंदा आया था. हॉलैंड में तो कभी मैंने होर्डिंग लगाई नहीं, उसने मेरा रील देखा हुआ है. कनाडा से बंदा आ रहा है, बोले मेरा रील देखा हुआ है. अरे भाई, तो यू नो द अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी विच यू गेट बिकॉज जो रील होता है वायरल होता है. करेक्ट. हमने जो पोस्ट करते हैं उसको शेयर्स कितने मिलते हैं, वो शेयर्स फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई ग्रुप में होते हैं, तो वो उसका अंदाजा ही नहीं है. एंड आई ऑलवेज टेल, और मेरे जैसे मुझे हर एक सेमिनार में बुलाया जाता है जहाँ पे सोशल मीडिया का, तो आई हैव बीन कॉल्ड एज अ टॉप ब्लॉगर्स ऑफ दुबई. ऑल्दो मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मेरे कंटेंट अच्छा है और मेरे मेरे ख्याल से फॉलोअर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक भी फॉलोअर खरीदा नहीं है. मेरा जो है रियल ऑर्गेनिक फॉलोअर है, जो शेयर थे वो ऑर्गेनिक है, नॉट ए सिंगल हैज बीन बॉट. सो वो मल्टीपल इफेक्ट उसका बहुत ही अच्छा जा रहा है. करेक्ट करेक्ट. और सर मैं मतलब यहाँ पे आपने सही से पकड़ा, फॉलोअर कितना भी रहे, एक रहे, 100 रहे, एक मिलियन रहे, फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ेगा कि तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे कस्टमर के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो. अगर तुमने कस्टमर के दिल को छू लिया, तो हॉलैंड से भी बंदा आके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि आप जो स्टोरी बताते हो ना, उस स्टोरी का तो एकदम फैन बन गए हो. आप कभी नहीं बताते कि मेरा इतना स्क्वायर फुट का घर है, नहीं तो आ जाओ मैं तुमको हॉल दिखाता हूँ. कुछ नहीं, आप क्या बोलते हो, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा. कैसे दूंगा, कि आपकी बीवी खुश रहेगी, आपके बच्चे खुश रहोगे, और जब आप आओगे घर में तो आपके लिए इतने सारे मैंने एमिनिटीज बना के दी हुई है. बीबी से झगड़ा भी हो जाएगा तो तुम नीचे एक बार टहल के आ जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा. सो दैट्स द लाइफस्टाइल यू आर ऑफरिंग. और वो सबसे मुझे अच्छा लगता है कि अगर मार्केटिंग होनी चाहिए तो तुम सेल्स पे मत जाओ, खुद का ब्रांड क्रिएट करो, लोगों के दिल को छुओ, ऑटोमेटिकली आपका 20,000 करोड़ का कंपनी. बिल्कुल 20,000 करोड़ का कंपनी छोड़ो यार, यहाँ पे भारत में लोग रेवेन्यू बोलते ही नहीं है, खाली वैल्यूएशन बोलते हैं. यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है, यहाँ पे तो 5-6 हज़ार करोड़ का अगर वैल्यूएशन भी हो जाता है तो लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग धरती से 2 फुट ऊपर चल रहे हैं. ये बंदा देखो आज इस उम्र में खुद अपने कंपनी का फेस बन रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई. तुम भी आ जाओ सामने, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कहानियाँ समझो. लोग तुम्हारे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन नहीं लेते, लोग तुम्हारे प्रोडक्ट का कहानी लेते. कहानी बताओ और रिजवान भाई से इंस्पिरेशन. बिल्कुल बिल्कुल. Yes. Absolutely. And आप भी जो काम कर रहे हो मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में. Whenever I see your reels, I really enjoy. You also motivate a lot of people. So keep doing the good. मुझे मैं थोड़ा सा एक और मतलब ये बताता हूँ, मुझे मोटिवेशन देने का कुछ एक रुपया नहीं मिलता और मेरे को मोटिवेशन देना भी नहीं है किसी को. मेरा तो ये कहना है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो अपने लाइफ में डे जीरो पे, आज अगर तुमने कुछ सोचा है ना, तो एज अ धंधे वाला पर्सन तुमको उसी दिन पे उस पर एक्शन लेना चालू कर देना चाहिए. नहीं तो मोटिवेशन तो बहुत ज्ञानी बहुत खैरात में बट रही है. मोटिवेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. तुमको चाहिए तो तुम एक्शन लेना चालू करो. तो आपका साइट का मुझे पसंद आ रहा है, इंस्टाग्राम का जो नाम है धंधे की बात. धंधे की बात, धंधे की बात करो. एक रुपया नहीं मिल रहा है ना, वहां पे मत रुकना. सही बात है, मत रुकना वहां पे. तुम हर जगह पे तुमको धंधा ही दिखना चाहिए, और धंधे वाले को धंधा दिखता भी है. अगर तुमको ग्रोथ चाहिए तो धंधे की बात ही करनी पड़ेगी. बिल्कुल. आओ दुबई कभी. 100% सर, दुबई तो आते हैं, तो आपसे भी मिलेंगे, दुबई में भी मिलेंगे. और आप मतलब अभी तो आप तो दिखाई रहे हो पूरे दुनिया को, बट एक एक लेवल और डाउन जाके देखेंगे कि किस तरीके से आप कर रहे हो. तो और बहुत बहुत बधाई आपको, आपका नया टावर आ रहा है,
और बहुत सारे टावर आएंगे मेरे ख्याल से, जो दुबई का जो स्काईलाइन रहेगा वहाँ पे डेब्यून का नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो और मैं यही बोलूंगा कि दुबई में इन्वेस्ट करना जरूरी है, जरूरी नहीं आप डेन्यूब से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, लेकिन आप डेन्यूब दुबई के अंदर एक प्रॉपर्टी जरूर लो, बिकॉज आने वाले वक्त में आपको बहुत फायदा होगा। जिस तरह से दुबई ग्रोथ कर रहा है और अभी कैसीनो भी आ रहा है, तो मेरा मानना है कि ये प्राइजेस 3-4 गुना बढ़ जाएगी इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो प्लीज इन्वेस्ट इन दुबई, यू विल नॉट रिपेंड ऑन दिस। परफेक्ट सेल्स पिच, पीपल विल बाय। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और मजा आएगा लोगों को आपसे इंस्पिरेशन आगे भी रहते रहने के लिए। पक्का। सर को फॉलो कीजिए, सर का बहुत अच्छे से प्रेजेंस है, और ये सीखिए कि वो अपने धंधे को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के थ्रू कैसे प्रमोट करते हैं, कि वो बंदा अगर दुबई में भी बैठा हुआ है ना, तो हॉलैंड से लेके मैग्नेटिक तरीके से कस्टमर आके बोलते हैं कि सर हमको एक फ्लैट दिला दो, आपका बुकिंग तो नहीं हो गया ना। चलो ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो थैंक यू।